सब्सक्राइब कीजिए एज इन्फॉर्मर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो देख पाए सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड्रॉयड के लिए ऐप्स के बारे में। एक्चुअली क्या है कि गेम के बारे में बात करूंगा, तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ में बात करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बात यह है कि प्ले स्टोर पे तीन गेम है, जिसमें से दो गेम का मैं नाम फिलहाल बता देता हूँ। तीनों का स्क्रीनशॉट पे मैं दिखा दूंगा आगे जाकर कि इस वीडियो के लास्ट में कि कौन कौन सा गेम में क्या हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो मतलब सीरीज चला हुआ है कि एप्लीकेशन के अंदर मालवेयर का इफेक्ट होना, ये थम ही नहीं रहा है, मतलब कि बढ़ते जा रहा है। ऐसे कंडीशन में कि हम सब जितने भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इससे इंटरेस्टेड पर्सन हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने व्यूअर अपने दोस्तों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूं कि किस एप्लीकेशन में कौन सा मालवेयर पाया गया और किस एप्लीकेशन को उड़ाना है, रखना है या कौन सा सेफ है। तो आज के ज़माने में किसी चीज़ पर गारंटी नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तीन गेम के बारे में, जिसमें से दो गेम का नाम बताए थे। एक है बॉम्बर, ये क्लासिक गेम है, एक टैंकर से रिलेटेड। असल में हुआ क्या है कि ये गेम जो है क्लासिकल गेम है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं क्लासिकल गेम खेलने में, लेकिन इसके अंदर मालवेयर पाया गया है। अब आपके माइंड में डाउट होता होगा कि यार ये क्या लफड़ा है कि गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और फिर भी मालवेयर पाया जाए। तो भाई, इसमें क्या है ना कि हम प्ले स्टोर को दोष नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या है कि सभी के लिए ओपन है, हाँ स्कैन करने के बाद वो पता चल जाता है, लेकिन इस बार जो पता किया है उस कंपनी के नाम है Appthority। Appthority मतलब ये कि ये इसमें पाया गया तीन गेम निकाला है जो कि क्लासिकल गेम, इसमें पाया गया मालवेयर। मालवेयर कैसे पाया गया? इसका जो कोड है, उस कोड में जो जावा फाइल है, जो क्लास है, उस फाइल के अंदर क्या था कि एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम बना के रखा हुआ था कि जैसे ही ये इंस्टॉल कीजिएगा इसके बाद जो है ऑटोमेटिकली मालवेयर इन्फेक्टेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल में साइलेंटली इंस्टॉल कर देगा। जैसे ही इंस्टॉल होगा ये करेगा क्या, ये आपका जो है SMS जो है साइलेंटली सेंड करना शुरू कर देगा, इसके बाद सेल कमांड जो है रन करना शुरू कर देगा। इस मालवेयर का नाम है गोल्डक। ये मालवेयर फिलहाल अभी जो है एप्लीकेशन का नाम है टैंक एंड बॉम्बर, ये क्लासिकल गेम है, इसमें पाया गया। भैया हुआ क्या इसमें मैं बता देता हूँ, इससे नुकसान आपको क्या क्या होगा समझ सकते हैं। ये एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल कीजिएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि थर्ड पार्टी स्टोर से आप इंस्टॉल कीजिए, आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कीजिएगा तो इसमें मालवेयर होगा। तो भाई आपके दिमाग की दही हो गई हुई, क्योंकि कभी मैं कहता हूँ कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, कभी कहता हूँ थर्ड पार्टी से नहीं इंस्टॉल कीजिए, तो आखिर करे तो कहाँ से करे? तो देखिए, आपको करना तो पड़ेगा भैया प्ले स्टोर से इंस्टॉल, और अगर बाहर से कीजिएगा तब तो बहुत रिस्क हो जाएगा। लेकिन प्ले स्टोर के अंदर भी ये जितने भी है कंपनियां साइबर सिक्योरिटी वाली हमेशा सर्च करते रहते, एक तो गूगल प्ले स्टोर का अपना प्ले प्रोटेक्ट है, ये तो है, कभी कभी ये भी फेल हो जाता है। तो ये दूसरे कंपनियां जितने भी साइबर सिक्योरिटी फॉर्म बनाए हुए हैं, ये कंपनी का काम रहता है कि किसी न किसी गेम पे एप्लीकेशन पे टेस्ट करते रहते, इसमें मिल गया ये रिपोर्ट में दे देते हैं, और जैसे ही अपना रिपोर्ट पब्लिश करते हैं हम सब यूट्यूबर क्या करते हैं, हम अपने यूजर्स अपने दोस्तों के साथ इस न्यूज़ को फ्लैश करके शेयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आप लोग अपने आप को सेव कर सके। अगर आप इंस्टॉल नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्यूचर में इंस्टॉल करने से आप बच सकते हैं। ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे मालवेयर करता क्या है, आपके SMS को सेंड करना शुरू कर देगा, जैसे ही सेल कमांड रन करेगा तो आप समझ सकते हैं जो अटैकर है वो कुछ भी आपके प्रोग्राम से कर सकता है। अगर आपका फ़ोन रूटेड है तब तो समझ लीजिए कि आप खोल करके उझल उझल के दे दिए हैं कि नहीं भैया आइए मेरे फ़ोन से कुछ भी निकाल करके आप लेके आराम से चले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन को रूट नहीं किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, रूट कीजिएगा भी मत, क्योंकि आज के ज़माने में बिना रूट किए हुए भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो पहले रूट करने के बाद ही फैसिलिटी मिलता था, अब बिना रूट किए ही वो फैसिलिटी मिल रहा है। जब बिना रूट किए फैसिलिटी मिल रहा है तो आप बिंदास जो है रूट करने से बचे रहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है ना थोड़ा छेड़खानी करने के चक्कर में अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं और इसके बाद अनरूट करना भूल जाते हैं। जैसे ही रूट करते हैं कोई भी अटैकर आपके मोबाइल में अगर किसी भी तरह से एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लिया तो दैया मैया कर सकती है आपके एप्लीकेशन को, मतलब कि जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया उसका कुछ भी परमिशन एलिजिबल करा लेगा, आपके फ़ोन का SMS कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, फोटो आपको पता भी नहीं चलेगा, साइलेंटली पिक्चर भी आपका स्नैपशॉट ले लिया। तो बहुत सारा डिमेरिट होता है दोस्तों, बचने का एक ही उपाय है
कि जब भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से कीजिए। दूसरी बात यह है कि आप जब भी परमिशन इनेबल करें तो आप देखिए कि ये गेम है तो कहीं कॉन्टैक्ट नंबर को तो अलाउ तो नहीं कर रहा है, तो अलाउ भी मत क्या कीजिएगा। लेकिन आपको हमेशा से क्या करना है कि अपडेट अपने आप को रखना है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कोई गारंटी नहीं है कब किस एप्लीकेशन के अंदर वायरस मालवेयर पाया हो जाए, क्योंकि अटैकर खोजते रहते हैं कोई ना कोई बहाना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं मॉल में तो क्या लिखा रहता है, फैशन की दुनिया में गारंटी ना बाबा ना। इसी तरह से अगर डिजिटल वर्ल्ड में है, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका कब मोबाइल या कंप्यूटर हैक हो जाए। तो अपने आप के कीप अपडेटेड रखिए, हमेशा से सेफ रखिए और नॉलेज हमेशा से आप एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहिए। और इसके लिए बेहतर होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, या जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हुए थे उसको देख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा खोजते रहता हूँ। मेरा ये काम है कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो न्यूज़ फ्लैश होता है उस न्यूज़ को जल्दी से जल्दी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सके। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई सवाल नहीं सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ पक्का ये जो है शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल जाए। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।